नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, राजीव कुरेशी महाठग, लगातार इसकी हर एपिसोड में इसकी सारी सच्चाई हम आप तक लेकर आ रहे हैं। और जिस तरीके से BCN लोगों के जनहित के लिए इस समाचार को, इस खबर को लगातार आप तक लेकर आते रहा है, इसको लेकर के कई ऐसे लोग थे ताजबाग परिसर के कि जो BCN कार्यालय में आए और अपनी कहानी बताने आए, अपनी दर्द भरी दास्ता सुनाने आए। तो सबसे पहले तो हम आपको उन सुनाते हैं पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। BCN सबसे पहले और हर एक खबर आप तक लेकर आता रहा है। आज हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, कुछ माताएं, कुछ भाई, कुछ बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकदम हमारे BCN ऑफिस के सामने आए हैं। ये सबकी अपनी अपनी एक कहानी, अपनी अपनी एक दर्द है। आखिर इन्होंने ये पैसा किसको दिया, किसके माध्यम से दिया, कितना दिया और किस तरीके से इनकी बातचीत हुई थी, वो सब कुछ बताने के लिए आज यहाँ पे सभी उपस्थित हुए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अब मुझे बताइए कि किस कैसे आप लोगों से बातचीत हुई, कोई स्कीम वगैरह के बारे में आपको बताया होगा, क्या बताया उन्होंने? एक महीने में डबल की स्कीम वाला एक फार्मूला आया था जो हमारे ताजाबाद के कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं, तो वो स्कीम आके उन लोगों ने हमें घर घर बताया है। तो उसमें स्कीम वालों के कुछ नाम भी है, तो उनके भी नाम मैं बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे फहीम, उसकी फैमिली, फहीम की बीवी शगुप्ता और उसका एक साला भी है बब्बू सलमान, और दिलीप हप्पू, दिलीप की फैमिली में से उसका एक लड़का है सुल्तान, और उसकी जो बहन है मुमताज बाजी बोलते हैं, वो ये सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। तो एक महीने में डबल का पैसा, तो इस वजह से सारे लोगों ने अपना पैसा जो भी था, हमारे यहाँ भी इतने लोग हैं और भी काफ़ी लोग हैं, तो उन लोगों ने अपना पैसा सितंबर अक्टूबर से जो भी स्टार्ट हुआ उस हिसाब से डाला, कुछ जनवरी फरवरी से। तो उसमें कुछ लोगों ने अपना पैसा, अपना कुछ कीमती चीज़ें होती है वो गिरो रखा, किसी ने प्लॉट रखा, किसी ने मोबाइल, किसी ने VC के पैसे उठाए, किसी ने अपना ज़मीन गिरवी रखी है, तो किसी ने घर तक बेचा, किसी ने ऑटो, मतलब बहुत कुछ उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ तक का ताजाबाद शरीफ में जितनी भी शादियाँ थी इन कुछ महीनों में, वो शादियों का सारा पैसा उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको थोड़े थोड़े पैसे मिले होंगे? पहली बार ही डाले हमने भी, 20 जनवरी को डाले, 22 जनवरी के दिन सुनने में आया कि पैसे चले गए करके, नहीं मिलेंगे करके, 15,000 जेवर रख के कुछ भी नहीं मिले, वो भी चले गए। दो दिन के बाद खबर आई कि चले गए, वही पैसे करके। किसको दिए थे पैसे? दिलीप भाई के इधर किसी से दलाए थे। दिलीप को कब से जानते थे आप? हम नहीं जानते थे, किसी ने बताए थे, तो उनके साथ, उनके जिसने बताया था उससे आप मिले नहीं? मिले ना, हमारे घर के थे ना वो, डाल दो बोले, बहुत धन के डाले उन्होंने पैसे, तुम भी डाल दो बोले। आप लोगों को किसी को कुछ कहना है? दिलीप के तरफ में 45,000। तो वो 45,000 वास्तव वाले हैं कि डबल वाले थे? नहीं, पहले वाले थे। हाँ, पहले वाले 1,00,000 रुपये, 15 जनवरी को 1,00,000 डाले थे और 20 जनवरी को 85,000 रुपये डाले थे आपने। हाँ। तो डबल हुआ नहीं फिर भी? नहीं, डबल हुआ ही नहीं पहली बार। तो फिर दूसरी बार क्यों डाल दिए जब? वो दूसरे बार यानी दूसरे जैसे औरतों ने मिलकर, हम लोग ने सबने मिलकर औरतों ने डाले थे। अच्छा, कितने पैसे हैं आपके? 20 जनवरी के 85,000 है और 15 के 1,00,000 रुपये है। हमारे भी है 40,000 है। दिलीप के तरफ? दिलीप को दिए थे। आपके भी हैं? कितने? 50,000। किसको दिए थे? दिलीप को। आप सब दिलीप वाले ही? हाँ। नहीं, आप किसको दिए थे? वो फहीम को दिए थे। कितना दिए थे? 2,00,000। 2,00,000 रुपए दिए थे। पहली बार दिए थे कि इससे पहले हुआ था डबल? पहली बार ही दिए थे। पूरा जेवर में, जेवर गहना डाले थे या फिर आपके पास था पैसे? नहीं, बेच डाले थे, वहाँ सुनार भी है, वो हमारा गवा जिसको बेचे। आपके घर में कौन कौन है काकू? मेरे घर में तो मैं, मेरा आदमी चाहे बेटा है तो अलग रहता, हमारे पास में नहीं रहता। आप दोनों ही रहते हैं दंपत्ति, मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, बस बेटा अलग रहता है। तो आप लोग अपने सेविंग पैसा बचाए होंगे? वो पैसा नहीं, हमारा कुछ ये नहीं था, छोटी सी दुकान थी हमारी, तो वो चलाते थे, फिर वो खाली हुई तो हमको उधर से पैसा मिला थोड़ा सा, तो वो तो सब देने में चले गए, कर्ज वगैरह था, तो जो थोड़ा बहुत जेवर था तो वो बेच डाले हमने और लगा दिए थे। पहली बार ही लगाए? पहली बार। कितने दिन के बाद ये घटना हो गई? यानी 2 जनवरी को और 17 जनवरी को लगाए, उसके बाद में हो गया। दो बार लगाया? दो बार। हाँ। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में सुनने में आया कि कुछ लोगों को पैसे डबल होके मिले, जो थोड़े थोड़े कम अमाउंट के लोग पहले कम पैसे ट्राई करते हैं, 5,000 10,000 ऐसे ट्राई करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को पहले शुरू में पैसे मिले? हाँ, मिले हैं ऐसे लोगों को, जो लोगों ने पहले कम लगाए थे, तो काफ़ी लोग थे उसमें जिन लोगों को पैसा मिला है, पर बाद में उन्हीं लोगों ने अपना पैसा एक साथ इकट्ठा किया और साथ में दूसरे लोग भी थे, उन लोगों ने अपना पैसा एक साथ डाल दिया, जिसमें लाखों की संख्या में है वो रुपया।
क्या आपके भी कुछ पैसे हैं? हाँ मेरे भी पैसे हैं इसमें। कितने और किसको दिए? मेरे 3 लाख रुपए हैं, मैंने फहीम की बीवी जो है शगुप्ता फहीम उसको दिए। शगुप्ता फहीम के खिलाफ किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है क्या? जी नहीं, शगुप्ता परवीन के खिलाफ किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं की है, अभी तक किसी ने नहीं की है, अभी शायद सिर्फ फहीम के यहाँ पे हुआ है। फहीम को तो जेल हो चुका है? हाँ फहीम को जेल हुआ है, तो उसने बोला था कि मेरी बीवी पैसा देंगी करके। ये कब बोला था? ये मैटर के पहले बोला था? ये मैटर के पहले भी बोला था, वो फरार हुआ था ना तो बात होती थी, तब वो बोलता था कि हम लोग दे देंगे, लेकिन अब जब हम 2-3 बार मांगने गए तो उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, और पैसा हमने उनकी बीवी जो है शगुप्ता परवीन उनको ही दिए। उनका साला भी हमारे घर पर आता था पैसे लेने के लिए, स्कीम बताने के लिए, सब लोग हमारे घर पर आए थे। अच्छा आप लोग भी जितने लोग हैं क्या आप लोग अलग अलग एजेंट को दिए थे? साथ ही में दिए हमने। कितने? 1,10,000। 1,10,000 ये आपके वास्तव वाले पैसे हैं या फिर डबल हो के जो हो गए वैसे? नहीं, हमने पहली बार डाले। अच्छा अभी एक बात बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? अभी कंप्लेन में दिलीप का नाम गया, फहीम का नाम गया, अप्पू का नाम हो गया, राजीव का नाम आया, इसके अलावा जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं खुल करके, उनमें से आप किसको दिए पैसे? दिलीप भाई को। आप? फहीम भाई। तो बाकी जो नए कुछ नाम आ रहे हैं उसके खिलाफ आप लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लेंट करें, हमसे गुजारिश है कि हमारा जो पैसा है वो वापस मिले, है कि नहीं? जो हमने कंप्लेन अभी और करने वाले हैं। जी हाँ। फहीम की वाइफ की बात कर रहे थे आप, तो फहीम की वाइफ के खिलाफ क्या कंप्लेंट करने वाले हैं आप? हाँ हम करने वाले हैं आज। कितने लोग हैं जो फहीम के वाइफ से कांटेक्ट? काफ़ी लोग हैं, 18-20 लोग हैं। कितने पैसे होंगे लगभग? मैंने तो शायद 39 का हिसाब निकाला, मतलब 39 लाख समथिंग, लगभग 39-40 लाख रुपए। ये सब पहली बार ही लगाए हुए थे 40 लाख रुपए? हाँ पहली बार वाले हैं ये, मिला किसी को नहीं है ये वाला, जो पैसा लगाया है वो पहली बार वाला है। अच्छा पुलिस वाले वगैरह आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी तो हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, अभी तक हम गए नहीं। आप इतने दिन से गए क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बोला था अभी 2 ही हफ्ते हो रहे ना उनका जो चल रहा था PCR वगैरह, उन्होंने हमको 1 तारीख दी थी, 1 अप्रैल को पैसा देंगे ये बोला था, पर उससे 2-4 दिन पहले ही वो अंदर हो गया फहीम। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं छूट के आ जाता हूँ फिर देता हूँ, लेकिन बाद में ऐसी कोर्ट में कोई हमारा बंदा गया था तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता। फिर हम उनके घर पर भी गए, उनको बुलाए उनके घर वालों को कि हमको पैसे चाहिए, तो उन्होंने भी डायरेक्ट हाथ ऊपर कर लिए कि अब हम पैसा कहाँ से देंगे, वो अंदर है। जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं कि सबकी एक दर्द भरी कहानी है, किसी ने अपनी पूंजी जो जमा किए थे संपत्ति उसको डबल करने के इसमें लगा दिए, कुछ लोगों ने अपने गहने गिरवी रख दिए, कुछ ने अपना घर गिरवी रखा, ज़मीन बेच दिया, VC उठा लिया, कई सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन ये सारे पैसे डूब गए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हर खबर हर सच बता रहे हैं, इस खबर से संबंधित हर खबर बताएंगे, और कुछ नए नाम जैसा कि आप सुन रहे हैं जो जिन्हें जेल हो चुका है, फहीम इन्हें जेल हो चुका है, लेकिन इनके वाइफ इनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है, जैसे पीछे उनके पत्नी को भी इन लोगों ने बातचीत की थी, इनके पत्नी को भी। सारा पैसा कैश में था? हाँ सारा पैसा कैश में था, हमने उनकी वाइफ को ही दिया था। अच्छा किसी का ऑनलाइन पेमेंट नहीं था? सब कैश वाला ही था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे पैसे कैश में था, और कोई स्लिप वगैरह मिली? नहीं कुछ भी नहीं, उनके पास एक रजिस्टर था, वो रजिस्टर में नाम और पैसे और तारीख लिखते थे। आप लोग स्लिप मांगते नहीं थे? नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, तो नहीं मांगते थे। स्लिप में डायरी में आपका नाम लिखा है तो हम दे देंगे, और स्टार्टिंग में उसने दिया भी तो विश्वास हो गया था हमको, इसलिए हमने ज़्यादा पैसे, हाँ घर पे पैसा लाके देता था पहले तो, हाँ हमको विश्वास हो गया था उस पर, इसलिए हम लोगों ने फिर ज़्यादा लगा दिया कि दे देगा करके। जैसा कि पहले विश्वास जीता गया, उसके बाद विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया। लगभग 40 लाख रुपए सिर्फ इतने ही लोग हैं जो बता रहे हैं, ऐसे कितने सैकड़ों लोग हैं जिनके साथ ये कहानी हुई है, इस संबंधित हम हर खबर आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहे NBCN न्यूज़, वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह।